वो पहले पुराना था उसका नया जनरेशन आ गया गेम चेंज कर दिया उसने उसने छोटा सा कैमरा रख दिया मेरी वाइफ पर्स के साथ फोटो निकाल दिया फटाक फटाक फटाक, फटाक। करके पचास साठ फोटो निकाल देता है पीछे पीछे कैमरा ऑटोमेटिक है 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 एंड एंड फिर फिर वो स्क्रीन स्क्रीन पे लेके जाता पूरा बहुत बड़ा स्क्रीन होता है। फिर देख के बोलता मैडम आपको कौन सा वाला पसंद आ गया एंड मैं देखता हूं एक भी पसंद मेरे को नहीं आ रहा है एंड उसको तीन पसंद आ जाते हैं आई मीन एक चश्मा खरीदने जा रही थी वो तीन एंड अब बाय कर लेती है गाइस दैट्स माय फर्स्ट लेसन

लेकिन सेकंड जनरेशन आता है पाव की शक्ल बदल जाती है इट सडनली बिकम्स ब्रदर ऑफ सीरियसली मतलब गाइस आप लोग ने सोचा नहीं होएगा, ऐसी चीजें होती है आई कम अक्रॉस नूडल पाव आई मीन मैडम सरप्राइज मत हो जाओ हकीकत है वड़ा पाव का जो वड़ा है उसके अंदर का नहीं है नूडल है उसको फिर तलते हैं और फिर खाते हैं

सर्टन टाइप ऑफ केमिकल्स फ्रॉम चाइना एंड सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वन फाइंडर बेटा अपना सामान थोड़ा अटक गया है कलकत्ता में तो कैन यू प्लीज हेल्प मी अब फादर जब बच्चे से हेल्प मानता है तो बच्चे को कैसा लगेगा मतलब जस्ट इमेजिन यू नो आई मीन इमेजिन फैक्ट्री अपने माल से मांग रहा है ना समझ गए ना आप लोग फॉर ऑल दिस मैटर वंस बाकी लोग कल सुबह समझेंगे ठीक है okay. <laughs> तो so इमेजिन ये बंदा अपने बेटे से मांग रहा है लड़का बोलता है कि डैड मेरे पास एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके द्वारा मैं आपको ये मेक श्योर sure कर सकता हूं पॉसिबल है एंड देन ही एक्चुअली मेक्स एन अटेम्प्ट एंड गेट्स द प्रोडक्ट रिलीव फ्रॉम द कस्टम्स या जहां पे भी कहीं अटका हुआ था पॉइंट क्या है सो गाइस द पॉइंट इज वेरी सिंपल देयर आर थ्री फंडामेंटल्स जिसके कारण द यंगस्टर्स शुड जॉइन ए फैमिली बिजनेस

मतलब उधर जूस का काम चालू कर दिया या मे बी सलून सर्विस चालू कर दिया या मे बी कंसल्टिंग सर्विस चालू कर दिया गायउट थर्टी ए और वो मेरे को बोलता है भाई, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं मतलब तो किस चीज का बिजनेस डेवलपमेंट का मैं उसका सेकंड क्वेश्चन पूछा तो तेरा कितना बिजनेस डेवलप हुआ बोले वही ढूंढ रहा हूं <laughs> बराबर है बेटा तो बिजनेस कंसल्टिंग दे रहा है बिजनेस डेवलपमेंट का तेरा धंधा कितना बड़ा? अभी तो ढूंढ रहा है बोलता है सर मेरे को हेल्प मैं भी थोड़ा मन तो okay, ऐसा नहीं कि अर्लियर जनरेशन बेवकूफ है नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो अर्लियर जनरेशन स्मार्ट है उधर तक है अपने एरिया में बहुत होशियार है बहुत होशियार है लेकिन ये जो स्ट्रीट स्मार्ट जनरेशन है वो गो गेटर है वो गूगल से भी पूछते हैं पान वाले से भी पूछते हैं वो हमेशा अपना काम निकाल लेते हैं मतलब कहीं समस्या गई वेरी इंटरेस्टिंग हम लोग एक स्टोर में गया था स्टोर में काफी भीड़ थी मैंने खाली अपना मास्क निकाला और एक जोर से छींक खा ली पूरा स्टोर खाली हो गया था ठीक है आई लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट्स का स्ट्रीट स्मार्ट दी फंडामेंटल क्वालिटी द गो गेटर क्वालिटी वो लोग कहीं रुकते नहीं है और एक्चुअली रोकना भी नहीं चाहिए एक्चुअली रोकना भी नहीं चाहिए क्यों क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दिस पीपल है हमारे बच्चों में जो केपेबिलिटी है उनको सिर्फ और सिर्फ सही दिशा की जरूरत है सही चैनलाइज करो ट्रस्ट मी गाइज

हमेशा कुछ लोग सोचते होंगे कि अगले दस साल में ये चीज आएगी पांच साल में आएगी अभी मैं बीच में दो दिन पहले उदयपुर में था और आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन सिंपल एक कपड़े की दुकान वाला आदमी है और मैं उसको बोल रहा था कि फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि आप उधर अपना अवतार डालो अवतार अपना कपड़ा पहनेगा पसंद आ गया तो क्लिक करो एंड वो आपके पास कपड़ा आ जाएगा ऐसा फ्यूचर में होगा जैसे मैंने उसको बोला ऐसा होगा बोलता है आज होता है तब मेरे मेरे को लग गया कि अपन यार अपन तो बहुत पुराने हो गए No, seriously. मतलब यू नो टेक का ये स्टोरी हो गया है दैट जर्मनी में उसने कुछ पी एस फोर पे गेम भेजी होगी पी एस फोर उस जमाने में बहुत इन था पी एस फोर पे गेम भेजी होगी जर्मन लैंग्वेज में आया डीवीडी पढ़ा था मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा बेटा जिसको प्ले कर देते हैं तो मैं जरा नहा के वापिस आता हूं ऑफिस से आया था नहा के वापिस आता हूं अपन प्ले करते फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा के इसको यूज करते हैं ओके okay. मैं जब तक शावर लेके बाहर आया ही वो सेकंड थर्ड लेवल पे पहुंच गया बेटा तो जबरदस्त पन कैसे किया बोले डेट सिंपल है राइट साइड पे रेड कलर मतलब क्रॉस ही होएगा ये इधर ही होएगा ये यस ही होएगा ये नो ही होएगा व्हाट इज सो मच टू थिंक अबाउट इतना शार्प बेटा हमारा हो ही नहीं सकता था <laughs> मैं मेरी वाइफ को दो बार बोला अपना बोले हंड्रेड परसेंट बोले गजब मेरी वाइफ भी चार कदम आगे हैं बोले जेंडर तेरा है होशियारी मेरी मतलब अलग गरम दैट्स दिस जनरेशन प्राउड अबाउट देम हम लोग एआर वीआर ये सब बोलते हैं सोचते हैं ये लोग लिव करते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ इट एंड इतना कॉमनली जीते हैं उसमें कि अपने को मालूम भी नहीं पड़े सो दैट्स माय सेकंड सबमिशन टूडेज यंगस्टर्स आर एक्सट्रीमली टेक टेक अडेप्टेबल पहले एक जमाने में हुआ करता था मेनी ऑफ यू गाइज माइट नॉट बी एबल टू रिलेट मैं जो भी बोलने जा रहा हूं मेनी ऑफ यू गाइज माइट नॉट बी एबल टू रिलेट पीपल ऑफ माई एज पर रिलेट कि एक जमाना था कि अ सॉफ्टवेयर यूज टू कम ओनली इन सर्टन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहां के कुछ होशियार लोग उसको ट्राई करेंगे फिर अपने देश में आएगा दैट वॉज द स्टोरी अर्लियर स्टोरी ओके राइट नाउ द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट राइट नाउ द स्टोरी इज कोई भी सॉफ्टवेयर आता है है वर्ल्ड में एक साथ आ जाता एंड ट्रस्ट मी उसके सबसे ज्यादा हथकंडे यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड ओके हथकंडे एक ही कंट्री कर सकती है सवाली नहीं है मतलब आप अपना नाम ले लो गाइस इंडिया की ही बात कर रहा हूं सवाली नहीं है मतलब एक प्रोसेस होएगा यू टूट मोड़ के ऐसा कुछ कर देंगे कि डेवलपर भी सोचता होगा ये मैं कब खाली जगह छोड़ दिया था एंड हम लोग उस खाली जगह पे अपन आराम से अपना कोड डाल के कस्टमाइज भी कर लेंगे आई मीन वी आर दैट स्मार्ट सो वी आर द टेक एनेबल्ड एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वी आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स व्हिच आर टेक एनेबल्ड ऑलराइट सो दैट्स माय सेकंड सबमिशन एंड मेरा थर्ड सबमिशन and and the the third submission is is, also equally appealing to the second, uh, I mean, the, the younger generation and that is, they are tremendously globally connected. globally connected, connected. मतलब हम लोग का क्या था कि अपन का जितना भी कनेक्शन था आजू बाजू इधर में इधर में कहीं खत्म हो गया दैट्स इट मतलब we were हैप्पी also वी आर हैप्पी ऑल्सो मतलब अपन कहीं बड़ौदा का एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ौदा में इवेंट हो रहा है मतलब कहीं अपन अकोटा में निकल गए चार जन बोले अपने को लगे दुनिया जानती है मतलब है? There used to be a time. प्लेन में अपन बैठे दो चार जन आजू बाजू अरे अरे अब उतर के अपने बेटे को लेंगे बेटा देखो मालूम है फ्लाइट में तीन जन में जान पहचान वाले निकले वो बच्चा ऐसा सोचता है क्या है मेरा बाप मैं तुमको पता था कैसे जान पहचान वाला है वो बच्चा बोलता है डैड चलो चाइना घूमने जाते हैं और एक्सीडेंटली वहां पे उसको कोई एमयूए uh, प्रोग्राम किया था उसमें कोई uh, लड़का था या उसके साथ कोई एक uh, क्या कहते हैं बैकपैकिंग ट्रिप में कोई लड़का था कोई 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 फॉरेन इमर्शन का प्रोग्राम था इंडिया में कोई एक्सचेंज प्रोग्राम था उसमें वह बंदा मिल गया उसको हाई बोलता है पप्पा बोलता है ले बेटा जनरेशन इज एक्सट्रीमली वेल ट्रेवल्ड

थर्टी कंट्रीज के वैलिड वीजा मेरे पास है बिकॉज आई हैव बिजनेस ऑपरेशन इन ट्वेंटी एट कंट्रीज ट्वेंटी एट कंट्रीज उमर उस लड़के की अट्ठाइस साल अट्ठाईस साल ओके okay. एंड uh, फिर उसने कार्ड दिया और कार्ड उसने अपने फैमिली बिजनेस का दिया मैं बोला ये, बोले सर ये मेरे ग्रांड फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था एंड वो बिजनेस है जिसको मैंने आज इतनी कंट्रीज में फैला दिया दैट्स माई समरी गाइज इफ यू डोंट ज्वाइन राइट नाउ गाइज क्स्ट टेन ईयर्स लेटर टेल मेक दंगर जनरेशन में गो एंड वर्क आउट साइड एंड देन ज्वाइन द फैमिली बिजनेस अरे गड़बड़ हो जाएगी गाइस फॉरन वॉरन में पढ़ लोगे तो टोटल रॉन्ग कल्चर सीखोगे वहां पे मीटिंग करने के लिए टू सेंड एन ई मेल आर यू फ्री एट फोर थर्टी लेट्स मीट इवन अपने पप्पा को आप भेजो अपने पप्पा को ई मेल आज भेजोगे कल शाम की साढ़े चार बजे तक टाइम निकल जाएगा पप्पा बोलो पप्पा आपका मेल आया है बेटा देख ले क्या लिखा है उसमें पप्पा मैं भेजा है फिर तो तू तो ही पढ़ लेने तू नहीं भेजा है नॉर्मल नॉर्मल आई पीपल उनके व्हाट्सएप पे 462 मैसेजेस एंड सिक्सटी दे आर इन हंड्रेड ग्रुप्स और उसमें इतने सारे फॉरवर्ड आते रहते हैं मैं भी भेजता रहता हूं आई मीन थिंक अबाउट इट देर आर कपल ऑफ में पेरेंट्स जो मेरे को हर सुबह जय माता दी बेचते हैं सीरियसली दिवाली पे इतना फोन गर्म हो जाता है क्योंकि इतने धीरे आ जाते हैं परम रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे कम विथ एक्सपीरियंस दे कम विथ एक्सपीरियंस मैं मेरे बेटे को हमेशा बोलता हूं बेटा तू मुझे बहुत प्यारा है लेकिन मैं तेरे को एक और प्यारा व्यक्ति को मिलाना चाहता हूं जिसको तेरे को रिस्पेक्ट होना चाहिए वो तू नहीं मैं नहीं बल्कि योर ग्रांड फादर सो आई एम टॉकिंग दैट टू सन अबाउट योर हिज यानी कि मेरे डैड और उसका कारण है गाइस मैंने बोला बेटा वो वो जनरेशन है कि फोन उठाते थे एंड फिर वो डायल टोन का वेट करते थे एंड फिर खचर 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 करके डायल करते थे एंड फिर सामने वाले को फोन लगता था लगा तो ठीक नहीं तो तुम लोग एक सेकंड में फोन ऐसे चालू कर देते हो। तो होते वही ग्रांड फादर जो इस तरह से फोन लगाते थे सिंगल डिजिट में पेट्रोल डलवाते हैं वही ग्रैंडफादर आज तेरे को व्हाट्सएप कॉल करते हैं जूम पे मीटिंग करते हैं ही हैज बेटर लर्निंग केपेबिलिटी देन यू लर्न दैट डाइस उनका अनुभव वो जितनी गलतियों से सुधर के बाहर आए हैं जितनी चीजों से डेवलप होकर बाहर आए हैं इट इज नेक्स्ट लेवल एंड गाइज फंडामेंटल थिंग वाई आई ऑलवेज कि मेनी पीपल टेल इंटरेस्टिंग चीज है आप में से काफी लोगों को मालूम होएगा नाचोस करके प्रोडक्ट आता है आप में से काफी लोगों को मालूम होएगा ओके okay? हमारे एक स्टूडेंट है वो छोटे से गांव में है उसकी एफ एम सी जी की दुकान है एंड वहां पर उसने नाचोस इंट्रोड्यूस किया कोई लिया ही नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं ये क्या है वो डिप बोला तो लोग पागल हो गए बोले क्या चीज बनाई उसने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया डिफरेंट पैटर्न का खाखरा है डिप को निकल के चटनी बोल दिया हा लोग बोले ये नहीं फ्लेवर आई है बहुत मस्त है ओके बेटा बोलता है डैड सी अपना धंधा चल पड़ा बाप भी बोलता है बेटा ये अपन कभी सोचा ही नहीं थे कि इसको अपन फॉरेन खाखरा की तरह बेचेंगे फॉरेन खाखरा या, या या, या, चलता है अपने देश में नोमेंक्यूलेचर हर गली नुक्कड़ नाके नाकेगी सबसे चेंज हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट गाइस डोंट वरी अबाउट इट हम लोग ऐठा झूठा इन सब चीजों में बिलीव करते नहीं ऐसा डाल के फिर टेस्ट किया फिर दूसरा आदमी भी डालेगा और अपने को कुछ नहीं होएगा डोंट वरी नेचुरल इम्यूनिटी है हम लोग में पॉइंट इज दीज फैमिली बिजनेस हैल इन द लास्ट सेवेंटी फाइव इयर्स और मे बी बिफोर दैट खाली जरूरी यह है कि आप लोग का नया खून इसमें जाना चाहिए मैंने एक सही वर्ड यूज किया था मेरे वो राइटअप में यह नया खून जो जाएगा उसमें इज द बूस्टर डोज फॉर द फैमिली बिजनेस टू कॉम्बैट टैकल एंड ऑल्सो विन फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स बेस्ट सर्विस आज आपको महंगी स्कूल में पढ़ाया है हाई फाई कपड़े खरीद सकते हैं वही फैमिली बिजनेस को समथिंग लाइक गिविंग बैक जैसा हो जाएगा एंड वही फैमिली बिजनेस आपको फ्यूचर में अच्छा रिकोगशन दिलाने की पूरी कोशिश कर सकता है विदर्स गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट है